अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहन। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो, प्रायवाची की माँ की चूत। Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं कैरी मिनाटी की वीडियो The Art of Bad Words. Okay, तो जितने लोग भी ये कहते हैं ना कि हाय तौबा, आप लड़कियों के वीडियो में गाली कैसे सुन लेती हो, आप खुद गाली कैसे दे लेती हो, आज ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है? चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी हैं, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बिना किसी बॉलीवुड के, तुम मानो ना मानो गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बहनचोद, मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओ पॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो, मैंने डाला, मैंने सही है ना, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। गाली की खिचड़ी। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है, गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोक दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट अच्छा है? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right with Lund, premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता, तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Fogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund. Seriously, गाड़ी का नाम है ये। खरीदना चाहोगे तुम लोग ऐसी गाड़ी? ये वाली गाड़ी। तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट और इंपोर्टेड है। वीडियो निकल गई। एक तो यूट्यूब है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. 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 ये policies.
के अकॉर्डिंग है। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा, लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने। गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी, ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है, इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा, इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ। इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पोर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। पर्यायवाची ज्ञान, कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार है। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा गूद अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी काट सके, वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो, इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूँ, पूरी दुनिया गधों से भरी है, और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहन। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो, प्रवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस, आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोत भैंचोत करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। नहीं। क्यों नहीं पड़ता कोई, वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है, और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओपॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो mevi.in पे जाओ और फटाफट देख लो, डुओपॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। बस यहाँ पर ये वीडियो खत्म। तो आई होप जितने भी सो कॉल्ड संस्कारी इंसान हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो आजकल की लैंग्वेज है ना, इसमें गालियाँ एक सिचुएशन के लिए होती हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, है ना। और कैरी भाई ने समझाई है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जाओ आप अपना पोगो देखो जाके, ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं यार लड़की हो के तुम गाली कैसे देती हो, भाई मुंह से ही देते हैं, कोई अलग से थोड़ी ना देता है। मुझे पता है यहाँ पे तुम लोग बहुत बुरा सोचोगे। और शायद मैं बोलने भी वाली थी। लेकिन नहीं बोलोगी, ठीक है। तो हाँ भाई, हम भी इंसान हैं, इसी धरती पर रहते हैं और इसी समाज में रहते हैं, तो
ठीक है, जो आसपास से सिचुएशन देखते हैं तो मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, पर सिर्फ एक सिचुएशन के लिए देती हूँ कि हाँ, जो जब गुस्सा आ रहा हो या सामने वाला कुछ ऐसा गलत सलत सा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो या देखूं या बहुत ही ज़्यादा अपार खुशी में भी कभी कभी गालियाँ निकल जाती कि ओ भेजो क्या सिचुएशन थी यार, ऐसा मतलब हो जाता है सबके साथ, ठीक है। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं होती है और ना ही इसमें किसी के संस्कारों को ठेस पहुंचनी चाहिए। तो बस यार, इसी ज्ञान के साथ मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।